ने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी, अब तुम्हें एक भी छुट्टी अलाउ नहीं होगी। मैं ऑफिस जाऊंगी। गुड। और यूनिवर्सिटी? सोया, जिन सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है, मैं उन सबका सामना कैसे करूंगी, उन सबकी बातें कैसे बर्दाश्त करूंगी? रूसा, लोगों की बातों को रास्ते में आए पत्थर समझकर ठोकर मार दो या उठाकर साइड पर रख दो, तुम्हें अपना रास्ता खुद साफ करना है। कुछ हद तक तो तुम मेरा रास्ता साफ कर ही चुकी हो। हाँ, कम से कम क्लास फेलोज तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि तुम्हें शर्मिंदगी हो, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। और बाकी वो घूरती हुई नजरें, उन सबका सामना कैसे करूंगी मैं? खुदा के लिए, और उसे मैंने पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर तुम सबकी बातों को इतना गौर से सुनोगी या उनसे डरोगी, तो एक दिन क्या एक घंटा गुजारना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इन बातों को दफा करो और कम टू द पॉइंट। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है, क्या तैयारियां की है तुमने सिवाय रोने धोने के? अपनी हालत देखी है तुमने? ये लो भाई। आंटी, मैं इसे पार्लर ले जाऊं? पार्लर? मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं ले जा रही हूँ। आंटी आप बताइए ना, ले जाऊं? आज नहीं, इसके अब्बू आने वाले होंगे, मैं उनसे इजाजत ले लूंगी, फिर कल ले जाना। ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के बाद हम पार्लर जाएंगे और उसके बाद ऑफिस। अच्छा ठीक है, देख लेना। पहले पार्लर और फिर ऑफिस, पागल हो गई हो? शुक्र है इतने टाइम बाद तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई, वरना तुम्हारी ये रोनी सूरत देखकर ना मैं तो हंसना ही भूल गई थी। शुक्र है ये गमजदा दिन जल्दी से खत्म हो जाए, वरना तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने तो मुझे वार्निंग दे दी थी कि दोस्ती खत्म। तुम्हें वलीद ने साथ चलने के लिए कहा था? हाँ, वो तो बेचारे डर गए थे, एक तो तुमसे बात नहीं हुई और दूसरा तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे घर आने का रिस्क। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, मेरे साथ चलें। और मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो मेरी बात सच हो गई। कौन सी बात? अरे वलीद भाई के बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को राजी कर लेंगे। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सबा मामी और बीनी कैसे मान गई? अरे भाई जैसे भी मानी हो, तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियां गिनने से नहीं। और खुदा के लिए गमजदा ट्रॉमे से ना बाहर आ जाओ, खुशी का मौका है। और खबरदार, अगर तुमने वलीद भाई के अलावा किसी और बारे में सोचा भी, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और दिल पर। थैंक यू। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, लग रहा है बहुत मजे की चाय बनाई है।